नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। मैं कावेंद्र चौहान हूं और आप देख रहे हैं आवाज। जब देश के जाने माने सेलिब्रिटी और स्वघोषित पत्रकार इस चीज पर चिंता व्यक्त करने लगे कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितनी बार वॉशरूम जाती है, या फिर देश के प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं फिर भी थकते क्यों नहीं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि दरअसल देश में चल क्या रहा है। क्रिकेटर के लिए क्रिकेट चल रहा है, फिल्म स्टार के लिए शूटिंग चल रही है, पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग और आम आदमी पर पुलिस की लाठी चल रही है। देश के कुछ हिस्सों में मास्क और दो गज की दूरी बेहद जरूरी है, वहीं इलेक्शन वाली जगहों पर नारेबाजी और भीड़ जुटाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हमारे नेताओं के लिए कोरोना से लड़ाई जीतने से भी ज्यादा इलेक्शन जीतना अहम है। ऐसे में नेताओं से ज्यादा प्रोटोकॉल तो अपराधी फॉलो करते नजर आते हैं। मेरठ में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लग जाने के बावजूद बदमाश अमित मिरिंडा ने अपना मास्क नहीं उतारा। वहीं दिल्ली में बंदरों का सहारा लेकर लूटपाट करने वाले बदमाश भी मास्क लगाए रखना जरूरी समझते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर से भयावह तबाही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार ब्रजेश मिश्रा लिखते हैं कि लखनऊ में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, यहां आपातकालीन उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे आरटीपीसीआर जांच प्रक्रिया की और तेज और सरल किया जाना जरूरी है। टेस्ट में बहुत वक्त लग रहा है, जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। लक्षण वालों के सैंपल घर से कलेक्ट होने चाहिए। टेस्ट में वेटिंग, भर्ती में वेटिंग, अंतिम संस्कार में वेटिंग देखने को मिल रही है। मिश्रा कहते हैं कि लखनऊ में लाशों की कतार है, विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार की लंबी वेटिंग है, कोरोना मरीजों की मौत का क्रम जारी है। सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन बिजली मुर्दा घरों में स्थितियां बिल्कुल अलग है। अस्पतालों में भर्ती की वेटिंग लिस्ट है और मुर्दा घरों में अंतिम संस्कार। इसके साथ ही गूगल में कोरोना लिखते ही भारत में कोरोना का ग्राफ दिख जाता है, जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि कोरोना पार्ट टू बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है या इस बात का इल्म नहीं है। लोग संक्रमित लोगों से लेकर मौतों के आंकड़े भी देखते रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जिसके घर में कोरोना से किसी की मौत हुई हो वही इस खतरे को बेहतर समझ पा रहा है, बाकी सबके लिए यह महज आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पूरी तरह से इस लहर की जद में है। लोग एक बार फिर अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। ट्रेनें एक बार फिर खचाखच भरी नजर आने लगी। बीता साल एक बार फिर जीवंत होकर आपके और हमारे सामने खड़ा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। वीरान सड़कें, बंद दुकानें, चौराहों पर पुलिस की बसावट बताती है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। अब वो दोबारा से दस्तक दे रहा है। बीते साल की तरह ही अस्पतालों में बेड की कमी, मुर्दा घरों में एक साथ जलती कई लाशों की खबरें भी सुर्खियां बनने लगी हैं। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो कई जगह वीकेंड लॉकडाउन भी लगाए जाने लगे हैं, लेकिन डर है तो बस राजनीति के दोहरे चरित्र से। एक तरफ जहां हुक्मरान कोरोना को काबू करने के लिए चर्चाएं करते हैं, तो वहीं सड़क पर इन चर्चाओं का चीरहरण। इन सब में क्या सरकार, क्या विपक्ष, सब मस्त मौला होकर अपनी जीत के सपने में दिन का सच देखने की जहमत नहीं कर पाते। और हमेशा की तरह हाशिए पर रहे आम लोग आज फिर आम की तरह चूस कर फेंके जा रहे हैं। आम लोगों पर मास्क ना लगाने पर जुर्माने तो कहीं लाठियां बरसाई जा रही हैं। देश में जब रोजाना लाख से ऊपर कोरोना केस देखने को मिल रहे हैं, तो टीवी पर भी लाखों लोगों की भीड़ इलेक्शन रैली का हिस्सा बनते देखना दुखद है। लेकिन क्या करें, यही डेमोक्रेसी है, जिसकी डेफिनेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। स्कूल कॉलेज बंद करने के फरमान जारी कर दिए गए हैं, दफ्तरों को भी बंद करने की हिदायतें गूंजने लगी हैं, लेकिन आसमान में छाए सियासी बादलों ने इन सभी तस्वीरों को ढक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सियासत सगी नहीं होती, राजनीति जो ना कराए वो कम। लेकिन ऐसे में यह मत सोचिएगा कि इलेक्शन रैली की भीड़ दिखाकर ज्ञान उकेर रहे पत्रकार भी कुछ कम है।
तो आपको बता दें कि प्रेस क्लब के लिए चुनाव चल रहे हैं और बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही यहां भी सब कुछ चुनावों जैसा ही। फिलहाल के लिए एक बढ़िया कहानी सुना देता हूं। मैं बीती रात दफ्तर से घर वापस जा रहा था। दिल्ली में आनंद विहार के पास ही पुलिस वालों ने बाइक से बिना मास्क लगाए जा रहे एक शख्स को मेरे सामने रोक लिया और उसे बाइक साइड में लगाने को कहा। लगाकर अधिकारी से बात करने के लिए कहा कि आप साइड में लगाइए। पुलिस के एक अधिकारी है, उनसे बात की। अधिकारी साहब किनारे गाड़ी के पास चार पांच सिपाहियों के साथ पहले से खड़े थे। बाइक वाला भी अधिकारी के पास खड़ा हो गया और खड़ा होकर बात करने लगा। इतने में बाकी सिपाही तीन और लोगों को पकड़कर बिना मास्क के जो जा रहे थे उनको लेकर आ गए। अब वहां 9 से 10 लोगों को एक साथ खड़े होकर अधिकारी साहब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये कहानियां व्यंग रचना के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह कहानी सच्ची और देश के हर कोने में ऐसी ही कहानियां देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो रूल बनाए थे वो रूल बुक नेताओं ने फाड़ कर फेंक दिए। देश में कानून सबके लिए एक समान नहीं है। अगर ऐसा होता तो नॉर्वे के पीएम पर जिस तरह से पुलिस ने फाइन लगा दिया, शायद यहां भी हर नेता के ऊपर ये फाइन लग जाता। लेकिन नहीं, इस फाइन का जिक्र जिस कानूनी ऑर्डर में किया गया है वहां नीचे नेताओं और बड़े लोगों के लिए मान्य नहीं है भी लिखा हुआ है। वो शब्द साइलेंट है, जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है वैसे ही साइलेंट है। वैसे इलेक्शन और कोरोना से लड़ाई को लेकर बिहार के इस ढाबा संचालक ने जो कुछ मुझे बताया उसको सुनिए। दरअसल मैं बंगाल से वापस आ रहा था, तब रास्ते में जो बिहार पड़ता है वहां एक ढाबे पर हम रुके। वहां ढाबा संचालक जो था उसे बड़ी दिलचस्प बातें, उस बातों को हमने रिकॉर्ड किया, आप सुनिए। उस वक्त हम बिहार में मौजूद, हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल से सीधे नोएडा। जिस समय बिहार में रुके, एक जगह खाना खाने के लिए, क्या नाम है खाने का? आहार बिहार। आहार बिहार होता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भाई साहब हमें मिले, बड़े दिलचस्प भाई साहब। इन्होंने एक बात बताई जिसका सीधा सीधा जो संदर्भ है वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और इसके साथ जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर। आपने क्या वो मकान वाली बात क्या कही? ये बताइए। हमने ये बोला कि जैसे छोटा सा परिवार को ले लीजिए, पहले हम लोग शुभ काम करते हैं जैसे घर बना रहे हैं, उसमें किसी का पैर टूट गया तो पहले भाई हम पैर देखेंगे कि घर देखेंगे? यही बात है कि राजनीतिक है, कोरोना है, संकट से आदमी जुड़े हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो उसको आदमी देखना चाहिए कि चुनाव क्या देखते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है, बहुत सही बात कही है। जैसे कि एक आदेश भी आया कि गाड़ी में अकेले जा रहे हैं तो भी मास्क लगाना है, परिवार बैठा हुआ है तो भी मास्क लगाना है। अब बताइए, एक गाड़ी है, कार है, वो सार्वजनिक कैसे हो सकती है? जो परिवार घर में बिना मास्क के साथ रहता है वो गाड़ी में बैठ के मास्क लगाना उसका इतना जरूरी कैसे हो सकता है? तो फ्रांस में आपातकालीन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। 30,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस रोजाना मिल रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहा हूं। संक्रमण भयानक तरीके से फैल रहा है, फ्रांस के पास लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प था। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा घातक, जानलेवा और तेजी से फैलने वाला, दुनिया फिर संकट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां कोरोना के खिलाफ सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बंगाल असम में जहां पुलिस नेताओं की रैलियों में भीड़ को मैनेज करने में लगी है, तो वहीं दिल्ली में पुलिस नेताओं के कहने पर कोरोना नियम तोड़ने वालों को फाइन करने में लगी है। खैर, दिल्ली में पुलिस की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हमारी सहयोगी काजोल ने कवर किया है, एक नजर जरा इस पर भी डाल लीजिए। दिल्ली पुलिस का काफिला रवाना हो चुका है। दिल्ली के लोगों को समझाने के लिए और कर्फ्यू की याद दिलाने के लिए जो भी बेवजह बाहर निकला है, आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है, और अब से नहीं पिछले 1 घंटे से अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोग जल्द से जल्द जो ऑफिस से घर जा रहे हैं वो घर पहुंचे और बेवजह बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर अब सन्नाटा होना शुरू हो चुका है और कर्फ्यू का जो असर है वो नजर आ रहा है। तो अभी अब आपको लेकर चल रहे हैं सरिता विहार के कुछ इलाकों में, जहां हम देखेंगे और मार्केट का हाल भी जानेंगे कि मार्केट में दुकानें बंद हुई हैं या भी कुछ ऐसे सावधान लोग नहीं हैं जो लापरवाही दिखा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है इसलिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें। न्यूज़ फॉर इंडिया लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है कि दिल्ली पुलिस जो आपसे लगातार अपील कर रही है उस अपील को आप समझें, माने।
आप पीछे भी देख सकते हैं कि पुलिस पीछे भी है और आगे भी लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली पुलिस आपके लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से अपील है कि कर्फ्यू का ध्यान रखें, बेवजह बाहर ना निकलें। बेवजह बाहर निकलते हैं तो आपकी मुश्किलें ही बढ़ सकती हैं। लगातार काफिला चलता जा रहा है और हम आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके का मुआयना किया है और देखा है कि कहीं कोई दुकानें तो नहीं खुली है, कोई बेवजह तो बाहर नहीं है। हालांकि अमूमन आपने देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अब जो है वो सन्नाटा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखिए, आप लगातार हमारा कैमरा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि अब पेट्रोलिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग के साथ साथ अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोग समय से पहले घरों तक पहुँच जाएँ और घरों पर पहुँच कर आराम से रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पीछे आप देख सकते हैं मेरे किस तरह से वक्त इस समय हो रहा है, रात के 11 बज चुके हैं और कर्फ्यू का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये इसीलिए है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। और जो महामारी लगातार बढ़ रही है, देश में बढ़ रही है और दिल्ली में भी बढ़ रही है, तो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है ताकि आप लोग अपने घरों पर आराम से रह सकें, इस बीमारी से बच सकें। ये सब आप लोगों के लिए, इसलिए लगातार आप लोगों से अपील की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से भी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, और हम भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। तो इस पूरे प्रोग्राम में रिसर्च के दौरान कुछ चीज़ें काफ़ी हास्यास्पद और शर्मनाक भी नजर आई, जैसे कि लोगों ने नाइट कर्फ्यू को इस तस्वीर के जैसा ही प्रभावशाली बताया है। वैसे इस तस्वीर में दिख रहे मिथुन दा भी खूब भीड़ लेकर बंगाल में चुनाव कार्यक्रम में मस्त है। वैसे हो सकता है चुनाव खत्म होने के बाद मिथुन दा भी कोरोना को लेकर ज्ञान गंगा बहा दे, लेकिन रिसर्च के दौरान मिली एक कहानी ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी, जिस और सरकारों को भी ध्यान देना जरूरी है। बात है जम्मू कश्मीर, जहां एलजी ने जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही, तो वहां के एक आम कश्मीरी बशराहत मसूद एलजी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर 8 बजे ही बंद हो जाता है, तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां ना तो नाइट क्लब है, ना ही रात में पार्टी की जाती है, मुंबई के मॉडल को यहां लागू करने की आवश्यकता नहीं। बंद करना ही है तो रहे सहे तुलिप गार्डन को बंद करवा दीजिए, शायद ये आपकी मदद करे। बशराहत की ये बातें एक बात कहती है कि शायद आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश के हर एक नागरिक के पास समान अधिकार नहीं है, वरना क्यों देश के कोने में नाइट पार्टी आम है तो एक कोने में नहीं। एक कोने में नेता हजारों की भीड़ लेकर घूम रहे हैं तो देश के एक कोने में किसी जगह पर खड़े 4 लोगों को पुलिस खदेड़ रही है, वरना क्यों एक आम आदमी को दफ्तर जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब प्रिविलेज लोग उसी आजादी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना भेदभाव नहीं करता। इसके साथ ही कोरोना के नाम पर दंड देने का नेताओं को कोई नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि यह सच है कि कोरोना के नियमों की सबसे ज्यादा धज्जियां इन्हीं ने उड़ाई है। फिर गरीब को जुर्माना लगाकर प्रताड़ित करने का भी अधिकार छोड़ देना चाहिए। नियमों का पालन कराने के लिए नेताओं को पहले खुद इसकी पालना करनी चाहिए। बहरहाल, कोरोना तेजी से फैल रहा है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।